बता दिया था उन्होंने। थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक कार्बन को रीड करके एयर क्वालिटी का इंडेक्स बताने का वो काम करेगी, ताकि इंदौर के पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। लेकिन वो तो मॉनिटरिंग करेगी, प्रदूषण कम हो इसका सबसे बड़ा प्रयास था कि हम अपनी गाड़ियों को सीएनजी और ई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कन्वर्ट करें। तो इंदौर नगर निगम के AICTSL के तत्वावधान में करीब 48 बसें इलेक्ट्रॉनिक बसेज हैं, जिनको हम ईगो कहते हैं। तो बसें तो आ गई, लेकिन उनके चार्जिंग स्टेशन भी ज़रूरी थे। तो ये सिलिकॉन सिटी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, यहाँ से चलने वाली बसें और यहीं से अपना इलेक्ट्रिक फ्यूल लिया करेंगी। इसके लिए आपको बधाई शुभकामनाएं। और आने वाले समय में हम चंद्रशेखर आज़ाद चौराहे पर, जिसको हम चंदन नगर कहते हैं, वहाँ और अगला खजराना से जो बसें चलती हैं वहाँ इस प्रकार के स्टेशन लगाने का काम करेंगे।